हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 19.1, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जो कल सेकंड पार्ट था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए दिया हुआ है कि एक्स क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस बता दिया गया है कि जब भी बटा में हो तो उसको डिवाइड करते चलें, तो हो जाएगा एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया और इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हम कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, जब मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आ जाएगा बटा एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा वन बटा एक्स स्क्वायर है तो यानी कि एक्स के पावर माइनस टू हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, सब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ए पावर वन है तो एक जोड़ दें तो वन प्लस वन यानी कि टू एक्स स्क्वायर, अब बटा फिर जो जोड़ते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं यानी कि टू से डिवाइड हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन बटा माइनस टू प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट एड कर देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बटा टू और ये देखिए हो जाएगा माइनस माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, तो एक्स के पावर माइनस वन बटा माइनस वन प्लस थ्री, देखिए जब मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बटा टू और प्लस एक्स के पावर माइनस वन प्लस सी, तो आ जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स के पावर माइनस वन है तो हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसे इरेज हम करते हैं, ठीक है, नोट करना है तो आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे इरेज करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चलना है, तो हो जाएगा वन में मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा वन और इंटू डी एक्स, अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस वन से डी एक्स में मल्टीप्लाई हो तो डी एक्स हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर यानी कि पावर टू है तो एक ऐड कर दें तो एक्स के पावर दो और वन थ्री हो जाएगा और बटा में फिर टू प्लस वन ही हो जाएगा माइनस, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स दो और वन थ्री यानी कि एक्स क्यू बटा थ्री, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ शो नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यू दो और वन थ्री अब बटा थ्री अब माइनस एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 हम नोट कर रहे हैं, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बटा रूट एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो रूट एक्स है इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर और बटा हो जाएगा रूट एक्स है तो एक्स के पावर वन बाई टू, एक्स के पावर हाफ हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा, सबके जो सबसे डिवाइड कर देंगे, एक्स के पावर वन बाई टू से सभी में डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू बटा एक्स के पावर वन बाई टू प्लस प्लस थ्री एक्स बटा एक्स के पावर वन बाई टू प्लस फोर बटा एक्स के पावर वन बाई टू,
इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स, अब पावर हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, एक्स के पावर एम बटा एक्स के पावर एन, तो होता है फ्रेंड्स एक्स के पावर एम माइनस एन। तो इस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखिए एक्स दोनों जगह है और पावर एम अलग है, एन अलग है, तो घटा सकते हैं, पावर एम माइनस एन कर सकते हैं। तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स के पावर थ्री माइनस वन बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर वन माइनस वन बाई टू प्लस फोर इंटू फोर और बटा रूट एक्स कर देना, ठीक है। एक्स के पावर वन बाई टू को हम रूट एक्स ही रखते हैं, ठीक है, और इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया फ्रेंड्स। तो अब हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, एक एक करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसको और सॉल्व कर लें उसके बाद हम लोग करेंगे। तो आ जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ टू है तो मल्टीप्लाई होगा, तीन दूनी छः, छः में से एक जगह फाइव, यानी कि एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस थ्री, यहाँ दो मल्टीप्लाई होगा, दो एकम दो और माइनस वन, दो में से हो जाएगा वन, यानी कि एक्स के पावर वन बाई टू प्लस फोर बटा रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आ गया हम लोग का ये आ गया इतना का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो अब एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर फाइव बाई टू इंटू डी एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर, हो जाएगा एक्स के पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स और आ जाएगा प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा और वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इधर का पार्ट हम इरेज कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ से इरेज किए। तो अब हम लोग आ चुके हैं, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, तो एक्स के पावर फाइव बाई टू है तो पावर वाले फार्मूला में तो एक जोड़ देंगे, एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस वन बटा फाइव बाई टू प्लस वन प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा वन बाई टू प्लस वन प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर है और वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स टू रूट एक्स होता है, तो इंटू टू रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो अब इसको जोड़ लेंगे एक्स के पावर, यहाँ टू मल्टीप्लाई हो तो पाँच और दो सात हो जाएगा, एक्स के पावर सेवन बाई टू, इसको जोड़ सकते हैं भिन्न के रूप में आप इस तरह जोड़ सकते हैं फाइव बाई टू प्लस वन, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टू और ये जाएगा टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि फाइव प्लस टू यानी कि सेवन बाई टू, ठीक है। आप एलसीएम कर सकते हैं क्योंकि इतना ईजी तो कर ही सकते हैं। तो हो जाएगा सेवन बाई टू एक्स के पावर सेवन बाई टू बट्टा सेवन बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर यहाँ हो जाएगा दो और एक थ्री बाई टू बट्टा थ्री बाई टू प्लस ये हो जाएगा चार दूनी आठ रूट एक्स प्लस सी। अब देखिए ये तीन टर्म है तो दो ऊपर चला जाएगा, दो बाई सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू प्लस ये दो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा दो इंटू थ्री बट्टा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस एट रूट एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। यहाँ हम इरेज कर दे रहे हैं, ये जो है पार्ट इरेज कर लेते हैं यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से लिख सकते हैं, आ जाएगा टू बाई सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू और प्लस देखिए यहाँ हो गया टू, तो टू एक्स के पावर टू इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस एट रूट एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे इरेज करते हैं। दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर टू बाई थ्री प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो बस सिंपल सा ये आप कर सकते हैं। तो एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स के पावर टू बाई थ्री इंटू डी एक्स प्लस वन है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब पावर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स के पावर टू बाई थ्री प्लस वन बटा टू बाई थ्री प्लस वन, ये फार्मूला हम बता चुके हैं, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि सी, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ देखिए ये कर लिया और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स एक्स, तो हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस
एक्स और प्लस कांस्टेंट के रूप में सी हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे एक्स के पावर, यहाँ हो जाएगा 2/3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/3 और बटा में 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ 5/3 है तो इसे अभी यहाँ इरेज कर लेते हैं। अब ये तीन टर्म में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/5 एक्स के पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1-x इंटू √x इंटू dx, ठीक है, यही दिया हुआ है 1-x इंटू √x इंटू dx, ठीक है। तो अब इसका करना क्या है कि अब हम लोग को √x जो है इससे मल्टीप्लाई करते चलना है, तो हो जाएगा 1-x और √x जो है उसको फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, इसके पावर हाफ, यानी कि एक्स के पावर 1/2 इंटू dx। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में करेंगे तो हो जाएगा इसके पावर 1/2 और माइनस x में करेंगे तो यहाँ पावर 1 है x इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू dx आ जाएगा। तो आ जाएगा फ्रेंड्स x के पावर 1/2 और माइनस, यहाँ देखिए x के पावर 1 और इंटू एक्स के पावर 1/2। तो आप मल्टीप्लाई फार्मूला पढ़ें, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर होता है x के पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई जब भी हो, अगर जो ये पावर अलग अलग हो और बेस जो है इक्वल हो तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं पावर, तो हो जाएगा माइनस x के पावर 1 प्लस 1/2 और इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम इरेज को इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 और माइनस एक्स के पावर, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 से 1 में तो 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2 और इंटू dx आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं एक्स के पावर 1/2, अब अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा एक्स के पावर 1/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 3/2 इंटू dx, तो आ जाएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा 1/2 प्लस 1 और माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 बट्टा 3/2 प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पे आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3 यानी कि 3/2 और बट्टा 3/2 और माइनस एक्स के पावर, ये हो जाएगा 5/2 बट्टा 5/2 प्लस सी। अब इसको जब अपर ले जाएंगे 2 को ऊपर तो हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर 3/2 और माइनस 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग का इतना आंसर, ठीक है, तो जो कि यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। तो 17 के तरफ जाने से पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसे इरेज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे अब हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स दिया हुआ है, थोड़ा सा फ्रेंड्स रुक जाइए, हम थोड़ा इंक भर लें उसके बाद हम बता रहे हैं, तो बस 2 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि √x माइनस 1/√x का
स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस टू ए बी, टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स और इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए फ्रेंड्स रूट एक्स का स्क्वायर कहेंगे तो एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर कहेंगे तो वन बाई एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा टू और इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो फ्रेंड्स अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग अलग। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, माइनस टू कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स हो जाएगा वन है पावर यहाँ, तो एक जोड़ दें तो टू और बटा में टू आ जाएगा, ठीक है। प्लस ए वन बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स और माइनस टू और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू है, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए इसे देखते हैं। तो 17 इरेज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ गए हैं अब हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो रूट एक्स है यानी कि एक्स के पावर वन बाई टू और इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स अब सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा थ्री इंटू एक्स, देखिए यहाँ स्क्वायर है और ये भी हाफ है, तो ये पावर बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो टू प्लस वन बाई टू प्लस टू इंटू एक्स के पावर, यहाँ वन है और फिर यहाँ वन बाई टू, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं प्लस थ्री एक्स के पावर वन बाई टू और इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हो जाएगा फ्रेंड्स इसको जोड़ सकते हैं थ्री एक्स के पावर, ये हो जाएगा दो दूनी चार एक पाँच यानी कि फाइव बाई टू प्लस टू इंटू एक्स के पावर हो जाएगा दो और एक थ्री थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स के पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, एक्स के पावर फाइव बाई टू इंटू डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स प्लस थ्री कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स के पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इतना फ्रेंड्स हम लोग का आ चुका है। अब फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम तीन पार्ट को इरेज करते हैं। देखिए यहाँ वन बाई टू है और यहाँ फाइव बाई टू है। तो चलिए अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हो जाएगा थ्री इंटू एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस वन बटा फाइव बाई टू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस वन बटा थ्री बाई टू प्लस वन प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा वन बाई टू प्लस वन और प्लस थ्री। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस सी, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइव बाई टू है पावर, यहाँ देखिए फाइव बाई टू है पावर, तो इसमें हम लोग ए वन ऐड किए फिर उसी से डिवाइड किए, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग का हो गया, बस इसको पावर को ऐड कर लेना है। तो हो जाएगा थ्री इंटू एक्स के पावर, इसको जोड़ेंगे फाइव बाई टू प्लस वन, तो दो यहाँ मल्टीप्लाई होता है पाँच पाँच और दो सात यानी कि सेवन बाई टू बट्टा सेवन बाई टू प्लस टू इंटू एक्स के पावर फाइव बाई टू और बट्टा में आ जाएगा फाइव बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू बट्टा थ्री बाई टू और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आ गया, आप देखिए ये तीन टर्म है तो इसको ऊपर ले जाते हैं। तो हो जाएगा थ्री इंटू टू बट्टा सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू प्लस टू इंटू टू बटा फाइव एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस थ्री इंटू टू बटा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ठीक है। इतना आ गया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए एक और आगे प्रोसेस देख लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तीन दूनी छः यानी कि सिक्स बाई सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू प्लस दो दूनी चार यानी कि चार बाई पाँच एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस यहाँ आ जाएगा टू, केवल टू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो हो जाएगा टू इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, जो कि हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। तो फ्रेंड्स आज का टारगेट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम इसको अब इरेज कर देते हैं, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से हम फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे ये दोनों टर्म में से। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स और माइनस वन प्लस, अब इसमें से केवल वन कॉमन करेंगे इस दोनों टर्म में से, ठीक है। तो प्लस वन करेंगे तो वही आ जाएगा एक्स माइनस वन, और बटा में आ जाएगा एक्स माइनस वन दिया हुआ है और इंटू डी एक्स, तो आ जाएगा फ्रेंड्स एक्स माइनस वन और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स माइनस वन और इंटू डी एक्स। देखिए एक्स माइनस वन से एक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ एक्स माइनस वन कटेगा, हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को ही कट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो और आगे चलते हैं तो हो जाएगा एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, पावर एक ऐड कर देंगे तो दो और वन थ्री, यानी कि एक्स का पावर थ्री, और फिर इसी से डिवाइड कर देंगे यानी कि थ्री प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन बता ही चुके हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि सी, या आप कॉन्स्टेंट के रूप में इससे यहाँ के भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना हो कर सकते हैं, तो सी ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कैसे कम्प्लीट करेंगे। तो इसे हम कर दिए इरेज। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना हो जाए, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका फार्मूला होता है वन बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा वन बाई टू प्लस वन, और वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स टू रूट एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट कर दिए। अब पावर जोड़ लेंगे तो हो जाए दो और वन थ्री, यानी कि एक्स के पावर थ्री बाई टू। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप बहुत वीक हैं, तो चलिए इसको कर सकते हैं, इस तरह जोड़ सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे टू और यहाँ टू जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो यानी कि वन प्लस टू हो जाए, तो दो और वन थ्री बाई टू, इस तरह कर सकते हैं। अब ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, आप मतलब कि मेरे अनुसार कर सकते हैं। चलिए तो हो जाए एक्स के पावर थ्री बाई टू, और जो जोड़ेंगे यहाँ आएगा उसी से यहाँ डिवाइड किया जाएगा, तो डायरेक्टली आप थ्री बाई टू लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ ये तीन टर्म है तो ये टू ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस टू रूट एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। चलिए 21 कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो चलिए इसे इरेज किए। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का वन दिया हुआ है, सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ फोर ई के पावर थ्री एक्स प्लस वन और इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स कर सकते हैं, देखिए एक एक करके करेंगे, फोर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा ई के पावर थ्री एक्स और इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वन से मल्टीप्लाई हुआ डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हम फार्मूला बताया था ई के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स, तो ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एम एक्स, और कॉन्स्टेंट के रूप में एम मल्टीप्लाई है तो ये एम डिवाइड हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ये आप बेसिक फार्मूला में बता चुके हैं आपको, तो इस तरह यहाँ कर सकते हैं। तो हो जाए फोर इंटू ई के पावर थ्री एक्स है तो ई के पावर थ्री एक्स हो जाएगा, बट्टा में एम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ जो भी मतलब है कॉन्स्टेंट उससे डिवाइड कर देंगे यानी थ्री है, तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा थ्री प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि सी।
तो हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाए 4/3 ई के पावर 3x प्लस एक्स प्लस सी, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, 21 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। चलिए 21 का 2 सॉल्व करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए चलिए 21 का 2 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे। तो हो जाएगा फ्रेंड्स, दिया हुआ है e के पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है, e के पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कर सकते हैं इसको। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, e के पावर x होता है प्लस c, अगर आपको मिल जाए e के पावर mx प्लस c, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो e के पावर mx प्लस c इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा फ्रेंड्स e के पावर mx प्लस c और बटा में फिर m, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा उसी से डिवाइड करें, तो m है तो m हो जाएगा प्लस c। तो इस पर आप कर सकते हैं e के पावर 2x प्लस 3 और बटा 2, यानी कि यहाँ देखिए m के जगह पे 2 है तो बटा में आ जाएगा 2 प्लस c, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1/2 e के पावर 2x प्लस 3 और प्लस c, जो कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।